सो हे गाइस, क्या हाल चाल है? और उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छा और बढ़िया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पोको एफ वन डिवाइस के लिए जी कैम का 8.0 वाला वर्जन जो है अवेलेबल हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपके पोको एफ वन डिवाइस के लिए जी कैम का 8.0 का वर्जन डाउनलोड करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, उसमें हमें कुछ करनी है सेटिंग्स, जिसकी वजह से हमारा जी कैम क्रैश नहीं होगा। तो इसलिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जो कि मैंने कैप्चर किए हमारे इस जी कैम के साथ। तो यह दोस्तों पोर्ट्रेट का सैंपल, यहाँ पे हमें बढ़िया सा वोके इफेक्ट दिखाई देता है, और साथ ही साथ दोस्तों डिटेल्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ये हमारा फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट मोड का सैंपल, इसमें भी हमें अच्छा खासा एनहांसमेंट देखने को मिलता है। डिटेल्स वगैरह जो है अच्छी खासी यहाँ पे इम्प्रूव की गई है। तो इस जी कैम के मोड के साथ दोस्तों हमें अच्छा खासा पोर्ट्रेट मोड वर्क कर लेता है। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों में भी अच्छा खासा पोर्ट्रेट मोड वर्क कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों नाइट मोड भी जो है यहाँ पे इस जी कैम के मोड में अच्छा खासा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर दोस्तों हमें यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं हमारे इस कैमरा के साथ। जैसे दोस्तों हम कैप्चर करते हैं फ़ोटो, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ को, इमेज को अगर हम यहाँ पे ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमें सीधा यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, सोशल मीडिया के शेयरिंग, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह। और सेटिंग में जाके आप उनको एडिट भी कर सकते हो। एक दोस्तों अच्छा खासा हमें सोशल मीडिया शेयरिंग का एक शॉर्टकट का यहाँ पे फीचर दिखाई देता है इस जी कैम के साथ। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्लो मोशन की, तो दोस्तों यहाँ पे स्लो मोशन वर्किंग नहीं है इस जी कैम के साथ। जैसे हम स्लो मोशन पर टैप करते हैं तो हमारा कैमरा जो यहाँ पे क्रैश हो जाता है, तो स्लो मोशन जो दोस्तों यहाँ पे वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे हम फटाफट से बात कर लेते हैं कौन से एडिशनल सेटिंग्स हमें करनी है। दोस्तों हमें सिंपली जाना है जी कैम के हमारे टॉगल में, यहाँ पे आपको करना है HDR मोड को इनेबल। उसके बाद जाना है दोस्तों आपको सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको जो है सेल्फी का एज़ यूर विश, आप अगर चाहो तो सेल्फी मिरर का ऑप्शन इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाद में आपको यहाँ पे ऑप्टिकल वीडियो स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है जिसको इनेबल करना है, और वीडियो स्टेबिलाइजेशन ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं। उसके बाद जाना है आपको एडवांस सेटिंग में। सो एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको HDR का जो कंट्रोल मोड है उसको आपको इनेबल कर लेना है। सो यहाँ पे दोस्तों आपके जो फोटो है एकदम से बढ़िया आने वाले इस जी कैम के साथ। तो आप सेल्फी लेते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीटच का भी ऑप्शन दिखाई देता है, उसको भी आपको जो है इनेबल कर लेना है सेल्फी वाले कैमरा में। तो ये थी दोस्तों कुछ सेटिंग्स जो आपको आपके जी कैम में करनी है, और ये थे उसके कुछ बग्स वगैरह, जैसे कि स्लो मोशन का बग। स्लो मोशन इसमें जो है दोस्तों वर्किंग नहीं है, बाकी सभी मोड जो अच्छे खासे से वर्क कर लेते हैं। तो बात करते दोस्तों कहाँ से इसको आपको करना है डाउनलोड। दोस्तों मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर मैंने जो है इस APK को अपलोड किया है। सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आपका जो जी कैम है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।